केएल राहुल काफी लंबे समय से अपनी फॉर्म को लेकर जूझ रहे हैं और इसलिए कई बार उनके टीम में रहने को लेकर भी सवालिया निशान खड़े किए जा चुके हैं। केएल राहुल इस साल आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के साथ जुड़े हैं और टीम की कप्तानी की जिम्मेवारी भी संभाल रहे हैं। हालांकि पिछले साल आईपीएल में राहुल की टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया और इस साल भी अभी तक वो अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन टीम के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात खुद उनके कप्तान केएल राहुल की परफॉर्मेंस है। अगर हम केएल राहुल के परफॉर्मेंस की बात करें तो राहुल का पिछला साल कुछ अच्छा नहीं बीता और ऐसे में उन्हें टेस्ट में उपकप्तान के पद से भी हाथ धोना पड़ा। राहुल की फॉर्म इसलिए भी चिंताजनक मानी जा रही है क्योंकि इस साल आईपीएल के बाद भारतीय टीम को तीन बड़े टूर्नामेंट्स खेलने हैं जिसमें WTC फाइनल, एशिया कप और विश्व कप शामिल हैं। अब अगर ऐसे में राहुल फॉर्म में वापसी नहीं करते हैं तो टीम इंडिया के लिए नंबर 4 पर बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग कौन करेगा, ये बड़ी समस्या हो सकती है क्योंकि ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर पहले एक चोट के कारण टीम से बाहर चल रहे हैं और भारतीय टीम के लिए मध्यक्रम बल्लेबाजी की समस्या जटिल होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर बात करें विकल्पों की तो इस समय संजू सैमसन से बेहतर विकल्प कोई और नजर नहीं आ रहा है। कई बार संजू के सिलेक्शन को लेकर भी टीम और चयनकर्ताओं के ऊपर सवाल उठाए गए कि आखिर लगातार बेहतर प्रदर्शन करने वाले संजू को टीम में जगह क्यों नहीं दी जा रही है। केएल राहुल के ODI में प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 2022 में यानी पिछले साल 10 मैचों की 9 इनिंग्स में मात्र 251 रन बनाए हैं जिसमें उनके बल्ले से सिर्फ 2 अर्धशतक निकले हैं और एक भी शतक नहीं आया है। तो वहीं T20 की बात करें तो 16 मैचों में उन्होंने मामूली 28.93 की एवरेज से 434 रन बनाए हैं। वहीं इस साल की बात करें तो ODI में अभी तक राहुल ने 6 मैच खेले हैं जिनमें उन्होंने 226 रन बनाए हैं। इस साल IPL में भी राहुल का बल्ला खेले गए 2 मैचों में शांति रहा है। उन्होंने पहले मैच में मात्र 8 और दूसरे मैच CSK के खिलाफ सिर्फ 20 रन ही बना सके। अब ऐसे में लखनऊ की टीम अपने कप्तान की फॉर्म में वापसी की पूरी उम्मीद कर रही होगी और भारतीय टीम में अपनी जगह को लेकर राहुल भी जरूर सोच रहे होंगे और वो अपने बेहतरीन फॉर्म को वापस पाने की पूरी कोशिश करेंगे।